बागेश्वर को सौगात मिली है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बागेश्वर दौरे पर रहे। बागेश्वर जिले की 44 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, जिनकी लागत 1,58 करोड़ रुपये बताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने रोडवेज बस स्टेशन, जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के पोर्टल और कुमाऊं के पहले विद्युत हाउस का उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। तस्वीरें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बागेश्वर दौरे की हैं। आज यहां पर लोकार्पण किया गया। यहां पर आज बस अड्डे का भी लोकार्पण किया गया और साथ ही जो यहां पर 133 केवीए का जो यहां पर स्टेशन आज लोकार्पित किया गया, ये कुमाऊं का पहला अत्याधुनिक ये स्टेशन होगा और जिससे लोगों को जो बिजली, एक तो अविरल बिजली मिलेगी, सुचारू रूप से बिजली मिलेगी, लाइन लॉस भी कम होंगे और जो कई बार लाइनें टूट जाती हैं वो भी कम होगा, उसके कारण वो भी नुकसान कम होगा। और साथ ही अगर माना कहीं पर किसी कारण कोई लाइनें टूटती हैं तो स्टेशन पर ही पता चल जाएगा कि कहां पर लाइनें टूट गई हैं।